हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वैशाली पाटिल। आप सबका स्वागत है माय बेलगावी यूट्यूब चैनल में। एक्चुअली ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, होप आप सबको पसंद आए। पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना। अगर ये वीडियो आपको पसंद नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज हम जानने वाले हैं वाटर कलर पेंटिंग आर्टिस्ट जो कि बेलगाम से है, जिनका नाम है हेम कुमार। तो चलिए जानते हैं उन्हीं के ज़ुबानी उन्हीं की कहानी। हेलो, मेरा नाम हेम कुमार टोपीवाला है। मैं बेलगाम से हूँ और मेरा कॉलेज बेनन स्मिथ कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स में हुआ है, जो कि 5 ईयर्स का कोर्स है और उसमें 2 ईयर्स फाउंडेशन और 3 ईयर्स का डिग्री है। और 3 ईयर्स डिग्री में मैंने पेंटिंग सब्जेक्ट लेके कंप्लीट किया है। आपको एक्चुअली ये आइडिया कहाँ से आया कि आपको वाटर कलर पेंटिंग कोर्स ही करना है? मीन्स ऐसे एग्जैक्टली वाटर कलर पेंटिंग कोर्स नहीं है वो, मीन्स 2 ईयर्स का फाउंडेशन रहते हैं, उसमें आपको सभी स्केचिंग, पर्सपेक्टिव, 2D 3D वो सभी सिखाते हैं। फिर उसके बाद में आप 2 फील्ड में सिलेक्शन कर सकते हैं, जैसे कि एक अप्लाइड आर्ट है और फिर पेंटिंग सेक्शन है। तो मैंने उसमें से पेंटिंग सब्जेक्ट सिलेक्शन किया था। तो पेंटिंग सब्जेक्ट में वो वाटर कलर सेक्शन एक आता है जिसमें कि हम लैंडस्केप्स वो सभी पेंट कर सकते हैं, और क्रिएटिव पेंटिंग और मेमोरी ड्राइंग्स ऐसा। तो मैं ज़्यादा फोकस वाटर कलर पेंटिंग लैंडस्केप में किया हूँ। ओके, तो आप ये स्कूलिंग से करते हैं या अभी आपने सिर्फ डिग्री कोर्स लिया तब से? नहीं, मैंने अभी सिर्फ कॉलेज में जब मैं सीख रहा था तब भी से ही स्टार्ट किया था, उसके पहले कुछ उतना नहीं था। इंस्पिरेशन या मोटिवेशन कहाँ से मिला? मीन्स हमारे बेलगाम के जो लोकल आर्टिस्ट है जैसे कि महेश सुनेले, शिरीष देशपांडे, तो उनको देख के और उन्होंने हमको गाइड किया है, तो उनके थ्रू हम वर्क करते हैं। मैंने शुरुआत की थी नेपाल में से इंटरनेशनल वाटर कलर सोसाइटी से। तो पहले मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हुआ था और मेरा पेंटिंग सिलेक्ट होने के बाद मैंने उधर भेजा था, जो कि उधर फिर डिस्प्ले हुआ था। और इसके बाद बहुत सारे मैंने एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया था, जैसे कि म्यांमार में, फिर इटली में उर्बिनो फैब्रियानो, फिर फिनलैंड में। तो ऐसे बहुत बहुत सारे एग्जीबिशन किए थे। नेपाल की जर्नी कैसी थी? नहीं मैं नेपाल तो नहीं गया था, लेकिन मैंने पेंटिंग अपनी भेजी थी और फिर हमारे जो सीनियर आर्टिस्ट थे तो उन लोगों ने मेरे पेंटिंग फिर कलेक्ट करके भेज दिया था। हमें ऐसा सुना है कि आप सतीश शुगर्स में भी सिलेक्ट हो गए थे, तो हमें थोड़ा उसके बारे में। हाँ, मैं जब कॉलेज में 3rd ईयर में था तब मेरा पेंटिंग में, मीन्स पेंटिंग कॉम्पिटिशन था वहाँ पर, तो वहाँ पर मेरा नंबर आया था और उसमें 2nd प्राइज मिला था मुझे सतीश शुगर्स में। टोटल आपके लिए बेलगाम का कंपटीशन टफ था या नेपाल वाला कंपटीशन ज़्यादा टफ था? नहीं, ऐसा तो कुछ कह नहीं सकते, सभी तरफ एक ही टाइप का रहता है, वो तो जजिंग पर ही डिपेंड रहता है सब कुछ। तो आप अपने तरफ से किसी को कुछ आइडिया, कुछ मोटिवेशनल कुछ बता सकते हैं? वैसे तो आप डेली प्रैक्टिस, अगर आपको इसमें फाइन आर्ट्स में कुछ तो करने का है तो आपको डेली वर्क करते रहना चाहिए, स्केचिंग करते रहना चाहिए। तो आज आप हमें पेंटिंग में क्या बना के दिखाने वाले हैं? तो चले फिर आज हम आपका यूट्यूब का चैनल का ही लोगो बनाते हैं, जो वाटर कलर में मैं बना के दिखाऊंगा आपको। तो क्या आप हमें थोड़ा आइडिया दे सकते हैं कि वाटर कलर पेंटिंग के लिए क्या क्या यूज़ हो सकता है? एज ए बिगनर आप आर्टिस्ट ग्रेड वाटर कलर यूज़ कर सकते हैं और राउंड सेबल हेयर के ब्रशेस, और ज़्यादा से ज़्यादातर आप हैंडमेड पेपर यूज़ करें जो कि 100% कॉटन हो, जो कि अच्छा आपको क्वालिटी देता है पेंटिंग करने के टाइम। सर एक और बात पूछनी थी आपसे, अगर आपसे किसी को पेंटिंग बनवानी हो या कोलैबोरेट करना तो आप सर उनकी डिटेल्स दीजिए। तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे या फिर डायरेक्ट व्हाट्सएप पे, लिंक नीचे आपको दिखाएगा। तो चलिए फिर देखते हैं इनकी पेंटिंग।
ही लिया होगा कि कैसे हेम कुमार जी ने हमारे यूट्यूब चैनल का लोगो बनाया है। अगर आप सबको भी अपनी ऐसी कोई पेंटिंग बनवानी हो तो नीचे दिए गए स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हैं, तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इनके इंस्टा आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर पर। थैंक यू हेम कुमार जी। थैंक यू मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए और इंटरव्यू लेने के लिए। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ಬೆಳಗಾವಿಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನಿವತ್ತು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತೀರಾ? ಹೌದು, ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನ ಪರಿಚಯ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇವರು ಮಾಡೋ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಫಿದಾ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಹುಡುಗ. ಇವನ ಹೆಸರು ಹೇಮ್ ಕುಮಾರ್ ಟೋಪಿವಾಲ, ಮೂಲತಃ ಬೆಳಗಾವಿಯ ನಿವಾಸಿ. ಇವರ ತಂದೆಯದು ಟೇಲರಿಂಗ್ ಶಾಪ್ ಇದೆಯಂತೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯ ಈ ಹುಡುಗನ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಇವನ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ದೇಶ ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕೆಳಕರ ಭಾಗದ ನಿವಾಸಿ ಹೇಮ್ ಕುಮಾರ್ ಬೆನನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದು ಈತನ ಕಲೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. Thank you.
ಬೆಳಗಾವಿ ಜೊತೆ ಈ ಕಲಾವಿದ ಮಾತನಾಡಿ ಇವರು ಯಾವ ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇವರ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇವರ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಅವರ ವಾಟರ್ ಪೇಂಟ್ ಮೂಲಕ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಕಲರ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೇಮಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಿತ್ರವನ್ನ ರಬ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾರಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಮುಗಿಸಿಯೇ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಹೇಮಕುಮಾರ್ ಇವರು ಸುಮಾರು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಬೇಕಾ ಹೇಮಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ವಾಟರ್ ಪೇಂಟ್ ಮೂಲಕ ಬಿಡಿಸಿ ಕೊಡುವ ಕಲೆ ಅವರಲ್ಲಿದೆ ನನ್ನ ಬೆಳಗಾವಿ ವಾಹಿನಿಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಆಗಿರಬಹುದು ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಬಿತ್ತರಿಸುತ್ತೇವೆ ಬೆಳಗಾವಿ ವಾಹಿನಿಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಆಗಿರಬಹುದು ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಬಿತ್ತರಿಸುತ್ತೇವೆ ನನ್ನ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕೆಲವೊಂದು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಬಿಡಿಸಿದ್ದು ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇವರ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಇನ್ನೂ ಸಾವಿರಾರು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸಿದ ಈ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಹೆಸರನ್ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಇವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ